चलिए चलिए। सुनिए, उठिए। अरे उठिए। से मार दी। गोली किसने चलाई? हमने चलाई। चुप, बकवास बंद करो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, गोली किसने चलाई? हमने मारा। अच्छा हुआ मर गई। इसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। चुप, मारी नहीं है, तुम लोगों ने मारा इन्हें। सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको थाने लेकर जाऊंगा। इंस्पेक्टर, अच्छा है आप आ गए। इन लोगों ने मारा है इन्हें अरेस्ट करिए। बात तो सही है आपकी, इसकी तो जान निकल गई। जान नहीं गई इंस्पेक्टर, मर्डर किया गया इनका। हाँ दिख रहा है ना, गोली लगी इसे, हम लेके जा रहे हैं इसे पोस्टमार्टम के लिए। इंस्पेक्टर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, इन लोगों ने मारा है इन्हें। FIR किस पर करेंगे? इस पूरी भीड़ पर सजा किसके लिए मांगेंगे? पूरे समाज के लिए। देखिए, भीड़ और समाज की कोई शक्ल नहीं होती है। अब हमें कानूनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। और आपको भी एक किन्नर के लिए इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो दुख होता है अपनी जिंदगी से। और एक बात, पोस्टमार्टम के बाद इसी की बिरादरी के लोग इसकी लाश को घसीटते हुए और चप्पल मारते हुए लेकर जाएंगे, ताकि अगले दिन में ये किन्नर ना बने। मेरी सौम्या भी तो एक किन्नर है। इंस्पेक्टर बकवास बंद करो। नानी नानी, सौम्या मामी कहाँ है? क्यों, क्या काम है बेटा आपको सौम्या मामी से? अरे आप कैसी बात करती है नानी, मैं काम के लिए थोड़ी मिलता हूँ मामी से। तो फिर आप क्यों मिलते हैं सौम्या मामी से, हमें बताइए। क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या है सौम्या मामी में जो आपको इतनी अच्छी लगती है? भाई हमें तो कोई उसमें अच्छा ही नजर नहीं आती। अरे बाबा ऐसा ही होता है, मेरी नानी को भी रूपा कुछ अच्छा ही नहीं दिखती है। सौम्या मामी के पापा आई हो, आप ही इनको समझाओ कि सौम्या मामी इतनी अच्छी क्यों है। तब तक मैं सौम्या मामी को ढूंढ के आता हूँ। भाभी जी, थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने ही तो मेरी सुरभि को शादी के लिए मनाया है। और अगर आप ना होती तो हरमन ये शादी कभी ना होने देता, इसलिए थैंक यू सो मच भाभी जी। नहीं वरुण भैया, आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, बस जो आप कह रहे हैं अगर आप उसे सच्चे दिल से मानते हैं तो मेरी छोटी का आप ख्याल रखिएगा, उसे ढेर सारी खुशियां दीजिएगा। इसने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां झेली हैं। सुरभि,
मैं तुमसे वादा करता हूँ, सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगा। तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम अपनी सारी परेशानियां भूल जाओगे। झुमके मुझे नहीं पसंद। एक काम करो, दूसरे पहन लो। माफ कीजिएगा वरुण भैया, पर ऐसे मेरा मतलब है, अब प्यार में ना कभी भी अपनी पसंद या नापसंद थोपी नहीं जाती। जो जैसा होता है उसे वैसे ही स्वीकारा जाता है। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक झुमका है। उप्स, सॉरी, गलती हो गई, भूल गया था मैं। जैसे हरमन ने भी आपको स्वीकारा ना। सुरभि एक काम करो, तुम पहन लो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। चिंटू जी, मैं यहाँ छोटी के पास थी ना, भूलिए क्या बात है। पंच मामा कब आएंगे मामी? वो बस आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। हवलदार, लाश को गाड़ी में डालो और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। नहीं नहीं, इन्हें कहीं मत ले जाइए। जब मदद करनी थी तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब क्या जरूरत है तुम्हारी? नहीं चाहिए हमें कोई पोस्टमार्टम। बस अब ले चलो इन्हें, ले चलो। हे करीना, तूने एक खबर सुनी है? सौम्या के घर वाले लोगों से छुप के सुरभि और वरुण की शादी करा रहे हैं। अच्छा, बड़े नाक वाले बनते थे, अब क्या बताएंगे किसी को? कल तक जो सुरभि हरमन की पत्नी थी, आज वरुण उसका पति कैसे हो गया? ये चक्कर क्या है? हाँ, वैसे अगर तू कहे ना तो मैं पता लगाती हूँ ये शादी हो कहाँ रही। सच्ची? फिर चल के मजे लेते हैं। चल चलते हैं। नहीं रे, मत जा। अब हम कुछ अच्छा भी सोचेंगे ना तो लोग हम पे शक करेंगे। वही तो। तुम चिंता मत कर, सौम्या और सुरभि के बारे में अच्छा सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम तो बस अपने बारे में सोचो। हरमन पुत्र कहाँ रह गया? बाकी पूजा का सामान कब तक आएगा? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आता ही होगा। सौम्या, फोन करके पूछ कहाँ पहुंचा है। FIR किस पर करें? पूरी भीड़ पर? सजा किसके लिए मांगेंगे? पूरे समाज के लिए? देखिए, भीड़ और समाज की कोई शक नहीं होती है। अब हमें कानूनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए और आपको भी एक किलर किलर का जज्बा होने की कोई जरूरत नहीं।
तक आ रहे हैं आप? सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बस रास्ते में हूँ सौम्या, आ रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। जी वो रास्ते में ही है, आ रहे हैं। ओ हरमन, किथे रह गया सीन? एनी देर लाती यार। हरमन, ओ जवाब क्यों नहीं दे रहा? वीरन संभाल, सामान काट यार, जल्दी संभाल। पोस्टमार्टम के बाद इसी की बिरादरी के लोग इसकी लाश को घसीटते हुए और चप्पल मारते हुए लेकर जाएंगे, ताकि अगले जन्म में ये किन्नर ना बने। क्या हुआ जी? अरे सुनिए, ऐसे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हरमन किधर आ गया? जी आप इतने परेशान क्यों हैं? और इस तरह से मुझे क्यों ले आए? हरमन जी क्या हुआ है? बताइए ना क्या हुआ है? कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अरे जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी, बस बेटा और बहू आते ही होंगे, सुरभि को बुला लेते हैं तब तक। आप पंजी सुरभि नु ले आने आ। चलो मैं आपकी हूँ जी, और मैं भला आपको छोड़कर कहाँ और क्यों जाऊंगी? क्या हुआ है आपको? नहीं बस, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम हमेशा मेरे पास होगी। हरमन जी कुछ बोलेंगे प्लीज?
बात है? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं जी, आपकी आंखों में आंसू देखिए, मैं मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज आप खुद ही बोल दीजिए क्या बात है। अच्छा हुआ मर गए, इससे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं बता सकता सौम्या कि क्या हुआ है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ जी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे वो रास्ते में नाम डायरेक्टर साहब मुझे मिल गए थे, मुझे मिले और कहने लगे हरमन तू एकदम हीरो मटेरियल है, मुंबई आ जा और एक्टिंग शुरू कर दे। तुम्हें कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मैं हीरो बन सकता हूँ? नहीं बहुत अच्छी थी, आप बिना कमाल करते हैं, जान सुखा दी थी आपने मेरी, पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप तो असल जिंदगी में एक हीरो हैं। आप बिना एक मिनट सुनिए ना जी, मुझे ये हार पहना दीजिए। ये हार मैं पहना? पहना दीजिए ना प्लीज। तुम खुद पहन लो ना इसे। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, नहीं पहनती। मामा वहाँ पंडित जी मोरन मोरन चिल्ला रहे हैं और आप यहाँ पर मामी को नेकलेस पहना रहे हो। लेकिन छोटे रिचा तुझे कैसे पता मैंने मामी को नेकलेस पहनाया? अरे आप ये नेकलेस तो देखो, आपने नेकलेस उल्टा पहनाया हुआ है। ये उल्टा सीधा काम आप ही कर सकते हो गंस मामा। अब जल्दी से तैयार होके नीचे आओ। आज मैंने जो देखा वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा सौम्या। इतनी मासूम सी हो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना मुझे, और फिर अब जाके तो तुम्हें खुश देगा। बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें खुश, हमेशा हमेशा के लिए।